निश्चित रूप से मैं आशीर्वाद इसलिए आपसे लिया, आशीर्वाद मैंने चुनाव के समय में इसलिए मांगा कि 15 साल तक आपका दुलरुआ जो है आपको छलने का काम किया, आपका दुलरुआ आपको छलने का काम किया, असली बेटा बन करके, लेकिन नकली निकल गया, लेकिन असली बेटा बन करके छोटे राजा आपका सेवा करने के लिए तत्पर और तैयार रहे। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्वजों ने मान सम्मान प्रतिष्ठा की राजनीति की। आज 4,000 एकड़ जमीन में किसने एशिया का सबसे बड़ा क्रशर प्लांट लगवाया? भैया शंकर प्रताप देव मानिक बच्चा जी ने लगवाया। चटनिया डैम किसने बनवाया? भैया शंकर प्रताप देव मानिक बच्चा जी ने बनवाया, और उनका बेटा 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगा के नौजवानों को व्यवस्था देने का काम करेगा। मैंने जब चुनाव 2009 में लड़ा था, 2009 में आपका आशीर्वाद मिला था, मुझे कोई पूछा नहीं था कि पावर प्लांट लगा रहे हैं कि आप सीमेंट फैक्ट्री लगवा रहे हैं। मैंने कल्पना किया था कि जिस तरह से मेरे पिता क्रेशर प्लांट लगवाए और बंद के कगार पे है, छोटे राजा पावर प्लांट लगा के यहाँ के नौजवानों को व्यवस्था देने का काम करेगा। है हमारी माता बहने, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बन के आया था। हेमंत सोरेन जी ने मैया सम्मान योजना का ख्याल रखते हुए झारखंड की गरीब महिलाओं को 1,000 रुपया सहयोग राशि देने का काम किया। जैसे ही चुनाव झारखंड में हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण लिए, और माननीय मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण के लेने के बाद जो घोषणा उन्होंने किया था कि 1,000 से 2,500 रुपया कर देंगे, दिसंबर हो गया है, आ गया है, और बहुत जल्द आपको 2,500 रुपया मिलने का मोहर लगा दिया। ये किसने किया? इस राज के मुखिया, इस राज के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं झारखंड के वासियों को, इस राज की मुखिया और हमारी शेरनी नेत्री इस राज की कल्पना सोरेन जी तकदीर और तस्वीर झारखंड का बदलने जा रहे हैं, और ऐसा गरीबों का काम हमारी झारखंड सरकार, माननीय हेमंत सोरेन की सरकार करने जा रही है कि जिसकी कल्पना भी भारतीय जनता पार्टी नहीं सोच सकती थी कि हम ऐसे ऐसे काम गरीबों के हित में करने जा रहे हैं। इसलिए मैं तमाम लोगों से यही आग्रह करना चाहता हूं कि मन में कोई कसक मत रखिए, मन में कोई दबाव मत रखिए। मैं जिस पिता का पुत्र हूं, कभी भी आपको धोखा देने का काम नहीं किया है, और जब तक छोटे राजा जिंदा रह गए आपको धोखा देने का काम नहीं करेगा। 15 साल बीत गए जुमलाबाजी की राजनीति। अब बिहार में चुनाव है तो सनातन खतरे में आ जाएगा, उत्तर प्रदेश में आपको दिल्ली में चुनाव है तो सनातन खतरे में आ जाएगा, ये कब तक चलेगा? यहाँ की जनता को चाहिए व्यवस्था, यहाँ की जनता को चाहिए नौजवान बेरोजगारों को रोजगार देना, यहाँ की जनता को चाहिए माता बहनों का सम्मान देना, जो हमारी सरकार ने देने का काम किया है। इसलिए मैं तमाम जहां जहां जैसे जैसे भी लोग हमारे इस भवनाथपुर विधानसभा में मेरे पिता के अलावा कोई भी अधूरा काम रहेगा आपके गांव में, आपके पंचायत में, इस बार छोटे राजा परिवर्तन करेगा, आपके गांव में जाएगा, आपके पंचायत में जाकर बैठ करके समस्या का समाधान करने का काम करेगा, इस बात को मैं कहना चाहता हूं। इसलिए मुझे जो आशीर्वाद आपके दिया है, कहते हैं भानु जी कि 1 वोट में 5 विधायक, और छोटे राजा कहता हो कि 1 वोट में 147 1,47,000 विधायक हमारे इस भोलापुर विधानसभा में है, इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं तमाम लोगों से यही आग्रह करने आया हूँ, आशीर्वाद लेने आया हूँ कि आप
जिस तरह से हमें आशीर्वाद देके इस क्षेत्र का विधायक बनाया है, उस तरह से ईमानदारी पूर्वक निश्चित रूप से आपका सेवा करने के लिए आपका बेटा, आपका भाई छोटे राजा तत्पर और तैयार रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हृदय से आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अगला कार्यक्रम ये प्रखंड का कार्यक्रम है। प्रखंड मुख्यालय में माँ भगवती का दर्शन करना था। माँ भगवती के दर्शन करने के बाद आपका अभिनंदन हमें लेना था। ये कार्यक्रम हमने रखा है और ओथ जब विधानसभा का ओथ हो जाएगा, विधानसभा का 9 से 12 तारीख को ओथ होने के बाद एक कार्यक्रम प्रखंड स्तरीय पंचायत स्तरीय हम लोग रखेंगे और पंचायत स्तरीय में आभार यात्रा हम लोग लिखाएंगे और जहाँ जहाँ जिसकी समस्या है उसके समाधान के लिए तत्पर और तैयार रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।